हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए आज साइंस का दूसरी क्लास है, जो कि रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी पर आधारित आज हम आप लोगों के लिए दूसरी क्लास लाए हैं। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए और क्वेश्चन को समझते हुए हम अपनी क्लास को आगे चालू करते हैं। तो हम आप लोगों को पहली क्लास में 25 क्वेश्चन बताए, तो अब अगली क्लास में भी हम आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताएंगे। हम डेली आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन डेली हम आप लोगों के लिए 25 25 क्वेश्चन, जो कि PYQ है, जो कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर कंटिन्यू अगर हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, तो आप एक महीने में अगर 25 × 30 किया जाए तो 750 क्वेश्चन, लमसम 1000 क्वेश्चन हम आप लोगों को 750 क्वेश्चन बताने का काम करेंगे और समझाएंगे। इसके अलावा और आगे भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो और आपको भी क्वेश्चन हम आपको समझाने का, रिवीजन कराने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, कार्य की इकाई कौन सी नहीं है। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी पिंड पर लगाए गए बल, किसी पिंड पर क्या लगाया जाए, बल, बल मतलब यफ, किसी पिंड पर लगाए गए बल यफ द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, पिंड द्वारा क्या किया जा रहा है कि उसकी दिशा में, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, पिंड को पिंड की दिशा में तय किया, मतलब उसको हटाया जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया जा रहा है, एक पॉइंट एक से पॉइंट दो पर लाया जा रहा है इस वस्तु को, तो कुछ वह दूरी तय करेगा और कुछ बल लगेगा, तो दूरी कितना होगा, डी होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, यफ इंटू डी, और जो यफ का मान, जो यफ होता है वह उसको हम, यफ को हम क्या लिख सकते हैं, यफ को हम आप, यफ बराबर एम ए भी होता है, यफ बराबर एम इंटू ए। तो ये यम क्या है, यहाँ द्रव्यमान है, यम क्या है, द्रव्यमान, ए क्या है, त्रोण है, डी क्या है, डिस्टेंस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इनसे मेल नहीं खा रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर कार्य का मात्रक पूछा जाए, तो इसमें कार्य का मात्रक पहला न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि देखिए यफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और डी का मात्रक क्या होता है, दूरी होता है। तो इसका जो न्यूटन मीटर, जो कार्य का मात्रक है, न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन मीटर को भी जूल भी बोला जाता है, न्यूटन मीटर को जूल भी बोला जाता है, और इसको हम ऐसे भी कि ग्रा इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन कार्य का इकाई कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन ए कार्य का इकाई नहीं होगा। आप कार्य, कार्य क्या होता है, बल लगाकर बल की दिशा में, किसी पिंड को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है, और बल, बल गुणे बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है, और इसका मात्रक न्यूटन टू मीटर भी होता है, जूल भी होता है, और कि ग्रा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा ए। देखिए आपके यार अरबी NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेंस की SI इकाई क्या है, लेंस की SI इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया हाइपरमेट्रोपिक, ऑप्शन बी में दिया गया डायोप्टर, ऑप्शन सी में दिया मायोपिक, ऑप्शन डी में दिया गया है प्रेस बायोपिक। ये भी देखिए आप यार अरबी NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया हाइपरमेट्रोपिक, ये तो इसमें देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। जो लेंस की क्षमता का SI इकाई क्या होता है, डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का SI इकाई डायोप्टर होता है, इसे डी से डिनोट करते हैं, इसके कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर मतलब पी बराबर वन अपान एफ, पी बराबर वन अपान एफ, जहाँ पी क्या होती है, लेंस की शक्ति या क्षमता को बताता है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण
की मात्रा को डाडर नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वह विकिरण की मात्रा को किस किस मतलब किस मापन में मापा जाता है, वही पूछा जा रहा है। तो सो पहला ऑप्शन दिया गया है वाट, ऑप्शन बी में दिया गया है पास्कल, ऑप्शन सी में दिया गया एम्पियर, ऑप्शन डी में दिया गया क्यूरी। तो ये कैसे मापा जाता है या क्यूरी से मापा जाता है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। और जो वाट होता है यह शक्ति का एसआई इकाई होता है, जो वाट होता है यह किसका इकाई है, शक्ति का, यह शक्ति का मतलब पावर का एसआई इकाई है। और जो एम्पियर होता है यह आपका विद्युत धारा का एसआई इकाई है, कितने विद्युत धारा का एसआई इकाई है। और जो है पास्कल होता है यह दाब का एसआई इकाई, जो पास्कल होता है यह दाब का एसआई इकाई होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई इकाई होता है, जो वाट होता है वह शक्ति का इकाई होता है, और जो विकिरण की मात्रा की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उद्योग में शक्ति की इकाई है, जो उद्योग है, उद्योग का मतलब जो बड़े बड़े उद्योग हो, उद्योग में शक्ति की इकाई किससे नापा जाता है, वह अश्व शक्ति होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ये देखिए आपके आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो शक्ति होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर डब्ल्यू बाई टी। जो शक्ति होता है कार्य की क्षमता को ही, मतलब कार्य की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। कार्य की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, इसका शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। और क्या होता है, और इसे आप वाट भी बोल सकते हैं, इसे आप वाट भी बोल सकते हैं, इसे आप अश्व शक्ति भी बोल सकते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगर पूछा एग्जाम में अगर नॉर्मली पूछ लिया जाता शक्ति इकाई क्या है, तो इसमें देखिए वाट भी शक्ति की इकाई है, किलो वाट भी शक्ति की इकाई है, अश्व शक्ति भी शक्ति इकाई है। लेकिन एक उद्योग में पूछा जाए उद्योग की शक्ति की इकाई क्या हो, तो वह अश्व शक्ति हो जाता है। वह कौन सा होता है, वह अश्व शक्ति हो जाता है। हमें आशा होगा आप लोगों को क्वेश्चन समझ भी आ रहा होगा। और एक अश्व शक्ति बराबर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो क्या वो होता है, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है, 700। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अभी आपको हम क्या बताएं, कार्य करने की दर को शक्ति क्या है, शक्ति की इकाई क्या है। अभी देखिए नॉर्मली अगर अभी हम आपको बताए हैं P बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर P बराबर पावर बार W अपान टी। कार्य करने की दर को क्या बोला, शक्ति होता है। इसका मात्रक आप यहाँ देखिए जूल प्रति सेकेंड भी होता है, या इसे वाट भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी वाट। ये देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। एम्पियर आप लोग जानते हैं विद्युत धारा का होता है, वोल्ट कितना विभवांतर का होता है, जो केल्विन होता है ताप का एसआई का, या ताप का है या विद्युत धारा का एसआई का ही है, किसका, विद्युत धारा का। जो वोल्ट है यह विभवांतर का एसआई का ही, विभव होगा या विभवांतर का एसआई का ही होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ध्वनि के मापने के लिए कौन सी यूनिट को उपयोग किया जाता है। ध्वनि है, इसको मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है डेसीबल, ऑप्शन बी में दिया गया है हर्ट्ज, ऑप्शन सी में दिया गया है ओम, ऑप्शन डी में दिया गया है वोल्ट। तो देखिए ध्वनि की जो मापने की इकाई है वह आपका डेसीबल होता है। जो ध्वनि किसमें मापा जाता है, अगर पूछ लिया जाए ध्वनि मापने की इकाई क्या होता है, डेसीबल में मापा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि जो अगर जो डेसीबल होता है, जो मानों के लिए सर्वोत्तम, मानों के लिए सर्वोत्तम जो सुनने लायक ध्वनि है वह 45 डेसीबल है। 45 डेसीबल यह मानों के लिए सर्वोत्तम सुनने लायक ध्वनि है। और 75 डेसीबल से अधिक मानो अगर ध्वनि को सुनता है तो वह उसके लिए हानिकारक है। 75 डेसीबल से अधिक अगर मानो कोई व्यक्ति अगर कोई मानो या कोई व्यक्ति के 75 डेसीबल से अधिक आवाज़ को सुन ध्वनि को सुनता है तो उसके लिए हानिकारक होगा। एक सर्वोत्तम अगर पूछा जाए कि ध्वनि जो सर्वोत्तम ध्वनि कितने डेसीबल तक सुनना चाहिए, वह 45 डेसीबल होता है। कितने डेसीबल होता है, 45 डेसीबल होता है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ध्वनि की माप की यूनिट को क्या। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी दो पूछा गया, फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है ध्वनि मापने की यूनिट को क्या कहते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, तो अभी आप लोग को हम बताएं ध्वनि मापने की क्या क्या कहता है। डेसीबल बोला जाता है, और जो 45 डेसीबल होता है व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम ध्वनि मानक होता है, और 75 डेसीबल से अधिक आदमी के लिए व्यक्ति के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, इससे अधिक नहीं सुनना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी ध्वनि मापने की यूनिट क्या होती है, डेसीबल होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट के पदों के अनुसार मापा जाता है। ऑप्शन ए वाट में, ऑप्शन बी पास्कल में, ऑप्शन सी हर्ज में, ऑप्शन डी डेसीबल में। फिर देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ध्वनि से रिलेटेड। देखिए ये भी आरआरबी जेई के में भी पूछा जा रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण है किस में मापा जाता है, या आपके डेसीबल में नापा जाता है, या किस में मापा जाता है, ध्वनि का प्रदूषण किस में मापा जाता है, डेसीबल में मापा जाता है। तो अभी हम आप लोग को बताएं जो 45 डेसीबल होता है मानव के लिए सर्वोत्तम सुनने लायक ध्वनि, जो 75 डेसीबल से अधिक अगर आदमी मानव सुनता है ध्वनि, वो उसके लिए हानिकारक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसआई की प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। जो प्रतिबल है इसकी माप इकाई को पूछा जा रहा है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। जो प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किसका मात्रक होता है, प्रतिबल का मापक होता है। कौन सा मापक, एसआई इकाई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, देखिए कहीं मिल रहा है जो ऑप्शन सी इसमें मैच खा रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रतिबल का माप इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का इसमें संबंध पूछा जा रहा है, कौन सा संबंध किससे मेल खा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व स्वप्रेरण और चुंबक फ्लक्स। देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है यह आपका टेस्ला से संबंधित है, किससे संबंधित है, टेस्ला से संबंधित है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है आपका टेस्ला से, और जो स्वप्रेरण प्रेरण है यह हेनरी से संबंधित, जो स्वप्रेरण प्रेरण है यह हेनरी से संबंधित है, और जो चुंबक फ्लक्स है यह आपका वेबर से संबंधित है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये देखिए आरआरबी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एसएससी मतलब आरआरबी जेई एसएससी एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा, और स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होगा, और चुंबक फ्लक्स का जो मात्रक क्या होगा, वेबर होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में मेल खा रहा है, इसमें मेल अगर ऑप्शन डी में देखिएगा तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी होगा। तो आप लोग हमें ऐसा हो या क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। जो अपवर्तनांक है इसका मात्रक क्या होता है। पहला देखिए क्या ऑप्शन एम दिया गया है, मीटर मतलब इनवर्स दिया गया है, फिर ऑप्शन बी में डायोप्टर दिया गया, ऑप्शन सी में कोई मात्रक नहीं, ऑप्शन डी में मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आरआरबी जे के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, या मात्रकहीन होता है, या क्या होता है, मात्रकहीन होता है। अब अपवर्तनांक देखिए क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या जो बताती है उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक होती है। तो यही होता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपवर्तनांक मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। देखिए निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, यही पूछा जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया गया वेग, ऑप्शन सी में दिया गया बल, ऑप्शन डी में दिया गया है शक्ति दिया गया है। जो जूल होता है यह आपके ऊर्जा को बताता है, जो जूल है यह आपका ऊर्जा या कार्य को बताता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। और जो शक्ति होता है पी बराबर जूल, जो पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है, यह जूल प्रति सेकेंड होता है। जो शक्ति होता है
यह जूल प्रति सेकेंड होता है, और जो वेग होता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, और बल का मात्रक आप लोग जानते ही होंगे, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका तो इसलिए 37 का ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। जूल किस में मापा जाता है, ऊर्जा में मापा जाता है। VRRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ जैसे ऊर्जा ऊर्जा का कार्य किसका मात्रक जूल का, वेग मीटर पर सेकेंड, बल क्या होता है न्यूटन होता है, शक्ति क्या होता है वाट होता है, दाब क्या होता है पास्कल होता है, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमें आशा होगा आप लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया होगा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, मतलब किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान होती है। ऑप्शन ए में शक्ति, ऑप्शन ऑप्शन बी में दिए गए घनत्व, तो ऑप्शन सी में कार्य, ऑप्शन डी में घनत्व। देखिए जो ऊर्जा होता है वह कार्य के इकाई के समान होता है। ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या होती है, यह समान होती है। तो आप लोग इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, ऊर्जा जो है कार्य की इकाई के समान होती है। तो जो शक्ति होता है यह जूल प्रति सेकेंड होता है, घनत्व है तो यह मीटर क्यूब होता है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, या RRB ALP और टेक्नीशियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाए शक्ति की इकाई क्या क्या कहा जाता है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब यह कितनी बार क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए RRB ALP मतलब यह शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा रहा है, 21/8/2018 में पूछा गया है। शक्ति इकाई क्या होती है, शक्ति शक्ति की जो इकाई होती है वह आपकी वाट होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, या इसे आप क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। और न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, और जो जूल है यह किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, और जो पास्कल है किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है, और जो शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है वो वाट को कहा जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ये RRB ALP के एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए शक्ति की या विद्युत शक्ति वह दर है कि जिस पर कोई कार्य किया जाता है ऊर्जा कहलाता है, मतलब कार्य करने की दर को क्या होता है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जेम्स वाट के नाम पर रखा गया, किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जेम्स वाट के नाम। एक वाट शक्ति क्या होता है, एक जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। एक वाट शक्ति जूल एक जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। घनत्व ऑप्शन ए में घनत्व, ऑप्शन बी में सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी में विस्थापन, ऑप्शन डी में दाब। जो देखिए इसमें सापेक्षिक घनत्व होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। जो घनत्व होता है इसका तो इकाई होता है कि रेखिग्रह प्रति मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसका इसका मात्रक क्या होगा, घनत्व का मात्रक कि ग्राम प्रति मीटर क्यूब, कि ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल होता है, या दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जो सापेक्षिक घनत्व होता है यह मात्रकहीन होता है, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ देखिए घनत्व किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, दाब न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या पास्कल होता है, विस्थापन मीटर होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात है। जो सापेक्षिक घनत्व है यह जो दो जैसी इकाइयों का अनुपात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, जो एम्पियर सेकेंड है यह किसकी इकाई है। जो एम्पियर सेकेंड ऑप्शन ए में दिया गया आवेश, ऑप्शन बी में दिया गया शक्ति, ऑप्शन सी में दिया गया है वोल्टेज, ऑप्शन डी में दिया गया है ऊर्जा। यह देखिए RRB JEE 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो एम्पियर सेकेंड होता है यह आपका आवेश का इकाई होता है, किसका होता है, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए धारा बराबर क्या, I बराबर क्या होता है, Q/T,
क्यू अपान टी, धारा बराबर क्या होता है क्यू अपान टी, तो एम्पियर सेकेंड जो है, और क्यू बराबर क्या होगा, जो आपका क्यू बराबर क्या होगा आई टी, जो क्यू बराबर होगा वह आपका आई, जो आपका क्यू बराबर क्या होगा आई आई इंटू टी होगा, तो आई का, आई का मात्रक क्या होगा एम्पियर होगा, और टी का मात्रक क्या होगा सेकेंड, टी का मात्रक क्या होगा आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकेंड होगा, तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, यह आवेश की इकाई है। आप लोग को बताए हैं जो शक्ति होता है, शक्ति इसमें देखिए मतलब शक्ति की इकाई क्या होती है, तो शक्ति की इकाई हम आप लोग को पिछली क्लास में बताए हैं कि ऊर्जा, जो ऊर्जा की इकाई होती है जूल होती है, और शक्ति की इकाई क्या होती है जूल प्रति सेकेंड होती है, जूल प्रति सेकेंड, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर विद्युत आवेश की क्या, एम्पियर क्या है विद्युत आवेश की, या प्रवाह दर की धारा आई कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा आई कहते हैं। देखिए क्यू बराबर आई टी होता है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन की देखिए क्या पूछा जा रहा है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, जो गैलन होता है वह सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों के बैरल के संबंध संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, जो गैलन होता है आयतन की माप के रूप में शामिल किया, रूप में मतलब इस्तेमाल किया जाता है, आयतन मतलब एक मीटर क्यूब जो गैलन होता है यह आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए एक गैलन बराबर क्या होता है, तो यह आपका तीन, एक गैलन बराबर ध्यान दीजिए, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है, 3.785 लीटर होता है एक गैलन बराबर, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, जो रेसिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या है, मतलब रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए में दिया गया एम्पियर, ऑप्शन बी में दिया गया वाट, ऑप्शन सी में दिया गया ओम, ऑप्शन डी में दिया गया वोल्ट, जो रेजिस्टेंस है ये का यूनिट ओम होता है, जो इस मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है, यह क्या है प्रतिरोध है, यह किस मतलब इसका यूनिट क्या होता है ओम होता है, इसका यूनिट ओम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। एम्पियर किसकी धारा है, विद्युत धारा का है, या विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, जो वोल्ट होता है विभवांतर का, विभव का मापक है, विभव का मापक है, जो वाट होता है यह शक्ति का मात्रक होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है शक्ति का मात्रक होता है, यह आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए विद्युत धारा किसका, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, शक्ति मतलब वाट का शक्ति की मात्रा क्या होगी वाट होगी, और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा, तो हमें ऐसा होगा आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव मतलब क्या होता है दाब होता है, दबाव मतलब क्या होता है दाब होता है, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन से मील खा रहा है, ऑप्शन सी मील खा रहा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह किसका होता है, इसका एसआई इकाई होता है दबाव का एसआई इकाई होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है दाब कहा जाता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, दाब बराबर क्या होता क्या हो क्या बोला जाता है लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या होता है लंबवत बल बटा क्षेत्रफल होता है, दाब का दाब एक अदिश राशि, इसका एसआई मात्र क्या होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है या पास्कल बोला जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डॉट 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 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को यूनिट है, तो सूर्य से लेके औसत दूरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये 46 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो अनुमानित दूरी की लंबाई
की यूनिट है उसकी क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी में केल्विन, ऑप्शन डी में जूल। इसका जो जो होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी सही होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक AU इसे बोला जाता है। एक AU बराबर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.45, 1.95, 1.95 × 10^11 मीटर, 1.95 × 10^11 मीटर होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह क्या होता है, पृथ्वी से लेकर सूर्य की क्या होती है, अनुमानित दूरी को बताता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग ध्यान दीजिए, पृथ्वी से सूर्य की औसत माध्य दूरी को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 × 10^11 कितना होता है, 11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश और निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 × 10^11 मीटर होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई को मापी गई है। अगले देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाए। बल की इकाई है, देखिए RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग बल, शक्ति और कार्य, ऊर्जा, इन सब का मात्रक आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर इन सब का मात्रक अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए देखते हैं, बल का मात्रक आप लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर से, हाई स्कूल और नाइन्थ क्लास से ही। जो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसे आप क्या बोलते हैं, कि ग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए कहाँ पे इसका मतलब मेल खा रहा है, तो ऑप्शन बी में यह देखिए मिल रहा है कि ग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक एसआई का ही क्या होता है, न्यूटन भी होता है। यह देखिए RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर देखिए दोहरा, मतलब वही क्वेश्चन दो बार आ गया है। बल्कि एसआई की इकाई क्या होता है, कि ग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बल की एसआई यूनिट क्या है। देखिए फिर से वही देखिए, RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें आपको क्या बताया, बल की जो एसआई यूनिट होते हैं न्यूटन होता है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो हमें ऐसा होगा आप लोग, जैसे दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है, केल्विन किसका होता है, ताप का होता है, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। तो हमें ऐसा होगा आप लोग क्वेश्चन आपको आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप का क्या होता है, केल्विन होता है, और बल का किस क्या मात्रक होता है, न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी का देखिए ऑप्शन ए में दिया, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, ऑप्शन बी में दिया मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रेशर का पास्कल, और इलेक्ट्रिक कंडेंस का सीमेंस, ऑप्शन डी में दिया गया है इलेक्ट्रिक कंडेंस का क्या दिया गया है, सीमेंस दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग अगर ना रहा तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा, हम आप लोग को बताते हैं। देखिए जो फ्रीक्वेंसी का होता है यह हर्ट्ज से संबंधित है, जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से संबंधित है यह सही है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका टेस्ला नहीं होता, जो मैग्नेटिक या चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वह, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका क्या होता है, टेस्ला न होगे वेबर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। और प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडेंस का सीमेंस होता है। इसको इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। इसमें पूछा गया था मतलब कौन सा मेल नहीं, सुमेलित नहीं, सुमेलित नहीं है, तो जो ऑप्शन बी है सुमेलित नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। ये देखिए RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, या आपके RRB ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि यह बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हमें आशा होगा आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोगों का
क्लास आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आज आप लोगों के लिए फिर 25 क्वेश्चन लाए थे, तो हम डेली आप लोगों के लिए 25-25 क्वेश्चन लाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में हम आप लोग को रिवीजन कराएंगे, तो उसको आने वाले एग्ज़ाम में आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं आने वाले एक नए क्लास में। जय हिंद।